नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों आज मैं आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आंसर होते हैं, आज मैं उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा जो आप लोग फ्रिक्वेंटली आपके दिमाग में आता है जब गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में आप सोचते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मुझे कॉमेंट के द्वारा आप लोगों ने ही पूछा था, तो आज मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना लेता हूँ जिसमें उन सारी क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा जो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं गूगल एडसेंस के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर क्योंकि ब्लॉग के रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अभी भी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, इससे पहले मैं पूरी तरह ब्लॉगिंग करता था, तो जो मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है वो सारा कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा है सनी हांडिया ने कि गूगल एडसेंस जो होता है वो इम्प्रेशन का कितना पे करता है। दोस्तों गूगल एडसेंस जो होता है वो इम्प्रेशन का पे करता है और उसको RPM बोलते हैं। RPM होता है रिवेन्यू पर 1000 इम्प्रेशन, 1000 इम्प्रेशन पे जो उनका रेट होता है, जो आपका जिस तरह का कंटेंट है, जिस तरह का एडवर्टाइजिंग आपके पेज पे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको रिवेन्यू मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आप कितना ट्रैफिक होना चाहिए हमारे वेबसाइट पे गूगल एडसेंस अप्रूव करने के लिए। दोस्तों इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए आपके वेबसाइट पे एक लिमिटेड ट्रैफिक तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपके वेबसाइट पे मिनिमम 10 से 12 ऑर्गेनिक ट्रैफिक होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि आप इसमें सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करके आप कितना उसमें ट्रैफिक लेके आते हैं वो मैटर नहीं करता है, गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए मैटर करता है कि आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कितना बढ़िया से किया है जिससे ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है। तो आपको स्टार्टिंग में जब गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए आप अप्लाई करते हैं उस समय मेक श्योर कि आपके पास आपके वेबसाइट पे कुछ जो आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो आ रहा है, तो ही गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए और उस समय सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। तीसरा है हाउ मच एडसेंस पे पर 1000 व्यू। दोस्त ये डिपेंड करता है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितना पे करता है गूगल एडसेंस 1000 व्यू पे। दोस्तों मैं आपको बस रफ आइडिया देना चाह रहा हूँ, ये रफ आइडिया है, 1000 व्यू पे आपको $2 मिलता है। आप सोच के रखिए अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो 1000 व्यू पे आपको $2 मिलेगा। पाँचवा है कितना पे आउट है एडसेंस के लिए, मिनिमम पे आउट कितना है। दोस्तों अगर आपके अकाउंट में गूगल एडसेंस के अकाउंट में $100 हो जाएगा तो ब्लॉग के थ्रू आपके पास आपके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मिनिमम पे आउट $100 का है। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग पे काम करना चालू करते हैं तो वो 100 कब $1000 में बदल जाता है वो पता नहीं चलता है। पाँचवा है कि एडसेंस गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव क्या है। दोस्तों गूगल एडसेंस अपने आप में बहुत बढ़िया जो अर्निंग मेथड है, लेकिन आपके पास अगर गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको नहीं मिल रहा है तो media.net का आप अप्रूवल ले सकते हैं। media.net भी एक गूगल एडसेंस किया ही अल्टरनेटिव है, लेकिन media.net का जो थोड़ा टर्म एंड कंडीशन है थोड़ा कम होता है, लेकिन media.net ने अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट किया है अपने आप को। लेकिन हाँ एक बार में जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं उस समय आपके वेबसाइट पर media.net का एडवर्टाइज नहीं चलता रहना चाहिए। जिस समय आप गूगल एडसेंस के लिए भेजिएगा उस समय आपके ब्लॉग पर सिर्फ गूगल एडसेंस का ही ऐड के लिए आप अप्लाई करोगे, उससे media.net का आपको ब्लॉग नहीं होना चाहिए। कैन आई यूज एडसेंस एंड एफिलिएट बोथ इन अ वेबसाइट। दोस्त हाँ यूज कर सकते हो आप, एफिलिएट मार्केटिंग भी यूज कर सकते हो और एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, दोनों चीज़ आप एक वेबसाइट से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जो उसमें एफिलिएट के लिए जो आप उसमें जो लिंक डालोगे, जो आप उसका डिस्क्रिप्शन डालोगे वो उसके कंटेंट के रूप में काम करेगा और आप उसमें अपना एफिलिएट का एडवर्टाइजिंग भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सातवां कैन आई यूज एडसेंस अकाउंट फॉर यूट्यूब और ब्लॉगर। डेफिनेटली दोस्त मैं ब्लॉगर से, मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा एडसेंस अकाउंट है और उसमें मेरा अमाउंट आता है। अभी मैं यूट्यूब से वीडियो बना रहा हूँ और धीरे धीरे आप लोग का सहयोग रहा तो मेरा भी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 मिनट मेरे पूरे हो जाएंगे, फिर मेरा यहाँ से भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सहयोग मुझे बहुत जरूरी है, तो आप यूज कर सकते हैं, एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट आपका होना चाहिए ज़िंदगी में, आपका एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी अर्निंग मेथड है आप उसमें वही गूगल एडसेंस अकाउंट को आप दोगे, ये एक तरह से बैंक अकाउंट हो गया जहाँ पे आप उसको सभी जगह दोगे जिसमें आपका अमाउंट आएगा और जिसको कन्वर्जन करा के आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लोगे।
तो दोस्तों ये मेरा वीडियो है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको आप चाहते हैं कि हमारे साथ काम कर सके तो मुझे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। मैं भी आप लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।